सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुभव बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं, उनमें ही एक अनुभव हमको भेजा गया है चिन्मय देश पांडे जी के द्वारा, और उन्होंने क्या क्या कहा है, उनका अनुभव किस तरह का है, आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुदेव, आपके यूट्यूब चैनल का मैं सब्सक्राइबर हूँ। आपके सारे वीडियो में बड़े चाव से देखता हूँ, जहाँ आप लोगों के पारलौकिक दिव्य अनुभव बताते हैं और विस्तार से उनकी शंका का निवारण भी करते हैं। मैं अपने साथ वर्षों पहले घटी हुई एक घटना को साझा करना चाहता हूँ। मैं 35 वर्षीय नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। हालांकि अब मैं विवाहित हूँ, परंतु घटना ये तब की है जब मैं मध्य प्रदेश के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। मेरे परिवार के सभी व्यक्ति अच्छे पढ़े लिखे और उच्च विद्या से विभूषित हैं, किंतु उन सब में मैं ही 19 हूँ। हालांकि यह स्थिति हमेशा से नहीं थी। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक मैं अपनी कक्षा में और आसपास के मोहल्ले में पढ़ने में सबसे तेज था, और इसी कारण अपने माता पिता के अलावा सभी शिक्षकों और मित्रों का चहेता भी था। किंतु जैसा मन होता है, 10वीं में मैं बुरी संगत में पड़ गया, लेकिन जल्द ही इससे उबर भी गया। किंतु मेरी पढ़ाई में वैसी गति ना रही जैसी होनी चाहिए थी। मेरे नंबर भी कम होते गए, और एक दिन जब मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने पिताजी के पास गया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मेरे पिता, जो कि स्वयं एक जाने माने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर हैं, उनके लिए ये बात असहनीय थी कि उनका बेटा पढ़ाई में फिसड्डी रहे। वह अपनी जगह सही थे, किंतु मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बाद यह दौर करीब 5 साल तक चला, जिसमें मुझे अपने पिताजी और शिक्षकों से अपमान, तिरस्कार, डांट और झाड़े वगैरह मिलती रहे। कक्षा में जिस प्रकार मैं उत्तर दिया करता था, सबको उम्मीद थी कि मैं वार्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करूंगा, किंतु हर बार मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। परीक्षा के दौरान ही मैं नर्वस हो जाता था। मेहनत करने के बाद भी पेपर हाथ में आते ही मुझे कुछ याद नहीं आता, दिमाग सुन्न पड़ जाता था। जैसे जैसे पासिंग मार्क ही ला पाते थे कि स्वयं मेरे लिए यह प्रत्याशित था। बार बार ऐसा होने से मैं अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच मजाक का पात्र बनता चला जा रहा था। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। मेरे मन में आत्महत्या का विचार आने लगा था। हद तो तब हुई जब निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के बाद प्रथम वर्ष की परीक्षा में मैं 2 विषयों में फेल हुआ। इसकी सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी 2 बार फेल हुआ, और जो अब तीसरी बार फेल होता तो मुझे पूरा साल रिपीट करना पड़ता। मेरे लिए, ख़ास तौर से मेरे माता पिता के लिए, शर्मिंदगी की बात होती। मेरे पिता ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर बहुत डांटा। इससे मैं बहुत ही ज़्यादा आहत भी हुआ। वास्तव में मैंने हर परीक्षा में बहुत मेहनत की थी, अपने पर्चे भी पूरी तरह से हल किए थे, किंतु फिर भी मुझे नंबर नहीं मिले थे। मुझे बाद में अपने कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक, जो मेरे पिता के संस्थान से सेवानिवृत्त हुए थे, पता चला कि मेरे कॉलेज के जो नए डायरेक्टर साहब हैं, वह मेरे पिता के पुराने सहकर्मी थे और उनसे शत्रुता रखते थे। क्योंकि वह मेरे पिता से सीधी शत्रुता नहीं निकाल सकते थे, तो उनको नीचा दिखाने के लिए मुझे फेल करवाया करते थे। निश्चित रूप से यह बात मैं अपने पिताजी को नहीं बता सकता था, किंतु जब तक वह डायरेक्टर साहब थे, मेरे पेपर क्लियर नहीं हो सकते थे। इस घटना से मैं बहुत असहाय अनुभव कर रहा था। मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। खुद को कमरे में बंद कर अपनी इस किस्मत पर चुपचाप आंसू बहाता और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, और इससे मैं बड़ा ही अनमना रहता और खाना पीना भी अकेले ही करता। मेरे पिताजी तो व्यस्त थे और अक्सर अन्य शिक्षा संस्थान के दौरे पर रहते थे, किंतु मेरी माँ से मेरी यह हालत छुपी नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि इस परीक्षा की नर्वसनेस और चिड़चिड़ापन से बचने के लिए मुझे ध्यान धारणा करनी चाहिए।
और यह मैं बचपन से नियम से पूजा पाठ किया करता था, किंतु किशोरावस्था में आकर मेरा पूजा पाठ और पढ़ाई से चलते मन छूट गया था और तभी से मेरे साथ यह सब होने लगा। किंतु मैंने उनसे भी सीधे मुंह बात नहीं की और पूजा पाठ और भगवान को भी बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि अपना 100% कर्म करना चाहिए और परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम अंतोगत्व भगवान देते हैं। मैंने उनका तर्क काटते हुए अपनी बात रखी कि मैं 100 नहीं 110% मेहनत करता हूँ, किंतु इसके बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। हार कर उन्होंने मुझे एक संत की जीवनी दी और उसे पढ़ने को कहा। मैंने उस जीवनी को पढ़ा और उसमें उस संत के छात्र जीवन की घटना दी हुई थी कि वह ईश्वर भक्ति में इतना मग्न हो गए थे कि उन्होंने परीक्षा की पढ़ाई ही नहीं की थी और उन्हें ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वह उन्हें उत्तीर्ण करा देंगे। उनकी कथा कुछ ऐसी थी कि अंत में वह उत्तीर्ण हुए भी, जिसका श्रेय उन्होंने भगवान को दिया। यह कथा पढ़कर तो मुझे यह लगा कि ईश्वर सब पर कृपा करते हैं, किंतु हम सामान्य लोगों पर शायद नहीं करते। इसके अगले महीने ही मेरे पुराने वर्ष और इस वर्ष के पेपर लगातार 4 दिन थे। स्पष्ट था कि तैयारी के लिए कम समय मिलने के कारण इस बात की संभावना अधिक थी कि मैं दोबारा से फेल हो जाऊं। पुराने वर्ष के विषयों में फेल होने का अर्थ था कि मुझे दोबारा इस साल रिपीट करना पड़ता, और तब मैंने यह प्रण किया कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, पूजा पाठ भी करूँगा। इसके बाद भी यदि मनोवांछित पर सफलता नहीं मिलती है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। 3 पेपर तो ठीक गए, किंतु अंतिम पेपर के बाद जब प्रश्न पत्र हाथों में लिया तो मेरा दिमाग अचानक से सुन्न पड़ गया, बड़ी घबराहट होने लगी। प्रश्न पत्र हल करने के समय कुल 3 घंटे का था और 1.5 घंटे तक मैंने कुल 2 पन्ने की आंसर बुक में नहीं लिखा था। जो परीक्षा हाल में इन विश्लेषण ड्यूटी पर शिक्षक थे मेरी इस हालत पर सहानुभूति जता रहे थे और मैं यह सोचकर ठंडा पड़ गया था कि अब की बार फेल हुआ तो मुझे साल रिपीट करना पड़ेगा और मेरे माता पिता को मेरे कारण बड़ी ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैंने खुद को मन ही मन खूब कोसा, गालियाँ दी और मैं अपने माता पिता की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। उस समय मुझे वाकई लगा कि दुनिया इसी समय ख़त्म हो जाए। हार कर मैंने तय किया कि अब फेल होना ही है तो पेपर के बजाय घर जाने में कहीं जा कर के मैं जान दे दूँ। जैसे तैसे एक सवाल का जवाब लिखकर जब मैंने देखा तो पता चला एक घंटा अभी बाकी था। मैं आंसर बुक सबमिट करने ही वाला था कि मुझे लगा कि मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है। मैंने आजू बाजू देखा, कोई नहीं था, किंतु दोबारा वह आवाज़ मेरे दिमाग में कौन थी, और इस बार मुझे इस पर सुनाई दिया कि किसी ने मुझसे कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उस आवाज़ में इतना रौब था कि मेरे बहुत डरे होने के बावजूद भी मेरे मन में बिना किसी प्रतिकार के उसके निर्देशों का पालन किया। अगले 45 मिनट में चमत्कार सा हो गया। मेरे हाथ मानो बिजली की तेजी से आंसर बुक में अपने आप जवाब लिखने लगे। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, किंतु जब अंतिम 15 मिनट बचे तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने पूरा पेपर हल कर लिया है। कहाँ तो मुझे एक सवाल का जवाब भी याद नहीं आ रहा था, इधर मैंने पूरे 1 घंटे पूरा पेपर हल किया था। घंटी हुई और शिक्षकों ने अपनी आंसर बुक ले ली। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया तो मेरे उस विषय में 75 अंक थे, जो यूनिवर्सिटी में सर्वाधिक थे। पिछले साल के पेपर तो निकल ही गए थे, इस वर्ष के पेपर भी ऑल क्लियर थे। उसके बाद मेरा खोया आत्मविश्वास लौट आया। मेहनत के साथ साथ मैं पूजा भी नियमित करता हूँ। हालांकि मैं बहुत पढ़ाई में अच्छा नहीं था, किंतु औसत हमेशा आते थे। मेरे कॉलेज के डायरेक्टर साहब भी हैरान थे, क्योंकि वायवा और मौखिक परीक्षा में मुझे फेल करवाने के लिए उन्हें तमाम हथकंडे आजमाए, किंतु किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा वह कभी सफल नहीं हो सके। इंटरनल परीक्षक कभी उनकी बात नहीं माने तो कभी मुझे ठीक ठाक नंबर दे दिए। इस बात से खिसिया कर डायरेक्टर साहब ने एक बार मुझे अपने कमरे में बुलाकर धमकाया भी था कि क्या मैं एक्सटर्नल परीक्षकों को उनके खिलाफ भड़काता हूँ, किंतु मैंने मना कर दिया। पर उन्होंने मुझे धमकाया कि वह मेरा साल खराब कराएंगे, जिससे मैं अगले वर्ष कैंपस इंटरव्यू नहीं दे पाऊँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हुई कि उस वर्ष मेरे अंक काफ़ी अच्छे रहे और कॉलेज के 5 टॉप लड़कों में से मैं था। मेरी नौकरी भी कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू से ही सबसे पहले लगी है। वह दिन है और आज का दिन है, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं कोई अपने जीवन में बहुत कुछ सफल नहीं हूँ, किंतु यदि वह अलौकिक शक्ति मुझे ना तब मिलती जब मुझे आवश्यकता है, तब मेरा क्या होता। मैंने इस घटना पर बाद में वर्षों विचार किया, किंतु फिर भी कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं खोज पाया। कभी लगता है कि मेरी भक्ति के कारण यह हुआ
किंतु फिर लगता है कि शायद यह मेरे माता पिता की पुण्याई अथवा भक्ति थी कि उस दैवी शक्ति ने मुझे तब मदद की जब मुझे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। खैर जो भी हो, मैं इसका आकलन नहीं कर पाया। आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी इस घटना को पढ़कर मुझे अवश्य समझाएं कि यह सब कैसे संभव हुआ। आप उचित समझे तो मेरा नाम बताकर इस घटना पर वीडियो बना सकते हैं। सादर नमस्कार। तो ये थे चिन्मय देशपांडे। इन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है और बहुत ही अच्छा इनका अनुभव रहा है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो विश्वास नहीं करना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन अपने आप में विश्वास करना भी परमात्मा में विश्वास करने जैसा ही होता है। और रही बात शक्तियों के जागरण की, तो शक्ति जागरण, अगर आप उस शक्ति से जुड़ते हैं किसी भी माध्यम से, माँ बाप या अपनी खुद की साधना पढ़ाई, तो आपकी वो मदद अवश्य करता है। अब मैं ये नहीं जानता कि आप किस देवी देवता की पूजा या उपासना करते थे, लेकिन उसने जब देखा कि इस लड़के की कोई गलती नहीं है, तो उसने सहायता के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास की एक डोर जगाई। और हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये अपने आप में एक सीमित वस्तु नहीं है, असीमित है, ब्रह्मांड का एक भाग है। आप इसमें जो डालते हो वो पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी स्टोरेज खुलता नहीं, बंद रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी शक्ति आती है और वो उस स्टोरेज को खोल देती है। जो आपने कभी पढ़ा होगा या याद किया होगा, उस स्टोरेज को खोलने भर की देर थी, तो एक वो शक्ति एक प्रकार से माध्यम बन के आई और उसने सब कुछ आपका खोल दिया, क्योंकि वो जान रही थी कि आपके साथ बुरा हो रहा है। ईश्वर तभी मदद करता है जब वास्तव में उसको लगता है कि इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है और इसकी कोई गलती भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपने महाभारत में जो पांडवों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का खड़ा हो जाना स्वयं में, जबकि कभी उन्होंने इस तरह की सहायता नहीं मांगी थी कि भगवान कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए आए। भगवान कृष्ण भी ने भी एक बार जब उनसे सहायता मांगने के लिए दुर्योधन गया भी था, तो दुर्योधन को अपनी सारी सेना और शक्तियाँ दे दी और अर्जुन के पक्ष में सिर्फ इतना सा कहा था कि मैं बिना केवल निहत्ता रहूँगा और इनका केवल सारथी बनूँगा, यानी कुछ भी हेल्प नहीं करूँगा। फिर भी उन्होंने सारा खेल उन्होंने ही रचाया था। इसी तरह ईश्वर भी है, अगर वो ये देखता है कि आप सच्चे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, गलत किया जा रहा है, तो किसी समय किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करता है। और ये आपके साथ ही नहीं, संसार में हर आदमी के साथ, हर जीव के साथ ये घटित होता है। बस वो अपनी माया से सब कुछ दर्शाना नहीं चाहता, वो छुपाना चाहता है अपने आप को, इसीलिए वो बताता नहीं है। तो यही आपके साथ भी हुआ और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सही समय पर सही चीज़ आपके साथ घटित हुई, क्योंकि आपने दो विकल्प चुने थे, मौत या फिर आपकी कामयाबी, और साथ ही साथ आपने मेहनत भी की थी। तो मेहनत तो कभी हाथ खाली हाथ जाती ही नहीं है, इसीलिए वो शक्ति आपके साथ आई, आपकी मदद की। तो ये आप उसको धन्यवाद दीजिए, अपनी माँ और पिता की जो भक्ति है, खासतौर से अपनी माँ की भक्ति, उनको धन्यवाद दीजिए और जीवन में इस प्रकार आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए, साधनाएँ पूजा पाठ कीजिए। यही जिंदगी है, जिंदगी इसी तरह जी जाती है और आगे भी आप इसी तरह आगे चलते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे, आपको जो है निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। तो ये था इनका अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।